अब जब मलाइका की वापसी हो रही है तो ऐसे में नोरा का वापस जाना तय था। जब जाने की घड़ी आई तो नोरा फतेही के साथ साथ इंडियाज बेस्ट डांसर की दूसरी जज गीता कपूर भावुक हो गई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नोरा को गले लगाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की और एक लंबा प्यारा सा पोस्ट भी लिखा है। गीता ने लिखा, तुम शो में एक ताजी हवा की झोंके की तरह आई और हमें उस झोंके की चाहत में हांफते हुए ही छोड़ दिया। मेरी लाइफ का इतना स्पेशल हिस्सा बनने के लिए थैंक यू बेबी नोरा। मुझे नहीं पता है कि तुमने यह कैसे किया, लेकिन इतने कम वक्त में तुमने अपनी शराफत, प्यार, सभ्यता और ईमानदारी से इतनी खास जगह भर दी जो मलाइका के जाने से खाली हो गई थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। भगवान अपना आशीर्वाद तुम पर हमेशा बनाए रखे और भगवान करे सफलता तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बने। नोरा फतेही हाल ही में इंडियाज बेस्ट डांसर के उस वीडियो को लेकर सुर्खियों में आई थी, जिसे लेकर कोरियोग्राफर और शो के जज टेरेंस लुइस पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक्ट के दौरान नोरा को गलत तरीके से छुआ था। इस वायरल वीडियो को लेकर लोगों ने टेरेंस पर आपत्तिजनक कमेंट करने शुरू कर दिए थे। तब नोरा टेरेंस के बचाव में सामने आई थी। नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर लिखा, शुक्रिया टेरेंस, आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर वीडियो मॉर्फ किया जा रहा है और फोटोशॉप से इफेक्ट्स डालकर मीम बनाए जा रहे हैं, मुझे खुशी है कि आपने खुद को परेशान नहीं होने दिया। आप शांत और शालीन बने रहे, यह वक्त भी बीत जाएगा। आप और गीता मैम मेरे साथ इतनी इज्जत से पेश आए, मुझे इतना प्यार दिया और एक जज के तौर पर शो में स्वीकार किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी सीख था।